पेट की भूख बाकी भूखों से बड़ी होती है, और खास करके उनके लिए जो इस भूख को आए दिन महसूस करते हैं, जैसे गरीब और बेसहारा लोग जो पूरे दिन में दो वक्त की भूख नहीं मिटा पाते। वहीं दिल्ली के नागलोई में शिव मंदिर के पास श्री श्याम रसोई के नाम से एक व्यक्ति लोगों को एक रुपए में खाना खिलाकर वो फर्ज निभा रहा है जो एक सरकार को निभाना चाहिए, जिनका नाम प्रवीण कुमार गोयल है। प्रवीण कुमार ने बताया कि वह पहले लोगों को सड़कों पर खड़े होकर कपड़े और जूते बांटते थे, फिर उन्होंने बेसहारा लोगों को खाना खिलाना शुरू किया। प्रवीण कुमार इस काम को पिछले 8 साल से कर रहे हैं। 7-8 साल से सेवा तो 7-8 साल से चल रही थी, जैसे गर्मियों में पानी पिलाना, रोड पे खिचड़ी बांटना, कंबल बांटना, शुरू से दया भावना रही है। उसके बाद एक मेरे साथ वाक्य हुआ, उसके बाद मैं बहादुरगढ़ जा रहा था। एक्चुअली पहले मेरी नोटबुक की फैक्ट्री थी और मैं बैंडर था, मैं कंपनियों के कापी वगैरह बनाता था लोगों की लेबर जॉब पे। तो बहादुरगढ़ में किसी पार्टी के पास जा रहा था, तो रास्ते में मुझे प्यास लगी तो मैं एक होटल पे रुक गया। तो वहाँ एक आदमी के पास 10 रुपये में उसने कहा रोटी दे दे, 2 रोटी दे दे मेरे को, तो चाय अचार सी दे दे। उसने कहा 10 रुपये में रोटी नहीं मिलती। मैंने कहा भैया इसको रोटी दे दो, क्या दिक्कत है, 2 रोटी दे दो, अचार दे दो, बोले ये आप खिला दो। तो मैंने उस आदमी को 100 रुपये दे के खाना खिला दिया। उसके बाद मैं बहादुरगढ़ ना जाके वापसी अपनी नांगली आगे अपने घर पे आया। मैंने अपने बच्चों से बात करी, मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है, मैं आज से काम नहीं करूँगा, मैं सेवा भावना में लगाना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमने 10 रुपये में थाली कर दी और जो मेरी इंडस्ट्री फैक्ट्री थी मैंने उसको बंद करके जो मशीनों के पैसे थे वो कुछ मेरे पास और था वो मैंने सब लगा दिया इस पर। उसके बाद ये 10 रुपये में चली 1.5 साल के आसपास। फिर ये कोरोना काल आ गया, आपको पता ही है, इसके अंदर तो अच्छे अच्छे बंदे भी फिस गए, लेबर थी उनके बच्चे भूखे मरने वाला हालात हो गए। फिर हमने कोरोना के टाइम पे यहाँ खाना बनाया। जब ये कोरोना काल के बाद फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, बुरा हाल हो गया, तो फिर सभी लोग बोले आप क्या करें। मैंने कहा भैया इसको 1 रुपये में कर दो। उसके बाद हमने सर 1 रुपये में इसको कर दिया और उसके बाद जो है अब 1 रुपये में चालू है। श्री श्याम रसोई में खाना खाने वाले लोग वह लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल ही किसी दिन खा पाते हैं। और लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश भर पेट खाने के लिए तरस रहा था, वहाँ एक इंसान की छोटी सी पहल के कारण आज भी 1000 लोगों का पेट रोज भरा जाता है। 1.5 साल से कर रहे हैं इस काम को, पहले 10 रुपये में करते थे, उसके बाद ये लॉकडाउन में आए थे मेरे पास, अब जगह नहीं है तो मैंने ये जगह प्रोवाइड करी थी इनको। तो जब से मैं जितनी भी जगह चाहिए जब तक चाहिए ये करते रहे, पूरे रेंट भी नहीं होगा, लाइट पानी बिजली का कोई बिल नहीं होगा। यहाँ रोज लगभग 1000 गरीब लोग और बच्चे आते हैं जिन्हें 4-5 तरीके की सब्जियाँ, चावल और कुछ मीठा रोज परोसा जाता है। श्री श्याम रसोई में काम करने वाले लोग सुबह 3 बजे प्रतिदिन उठ के इस खाने को तैयार करते हैं और करीब 11 बजे से यह खाना लोगों को मिलना शुरू हो जाता है। वहीं साथ में जो भी कुछ दान में आता है वह प्रतिदिन उसको लोगों में बांटते हैं ताकि वह दान में आया हुआ सामान जरूरतमंद लोगों के काम आए, फिर चाहे वो जूते हों या कपड़े या अन्य कोई भी सामान। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, किसी गरीब आदमी के पैरों में आ रहे हैं, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है। ठंड से बचने के लिए और चलने के लिए देखिए इनके पैर कितने खराब हो रहे हैं, देखिए बच्चे की हालत क्या है, जूता भी नहीं है इसके पास। ये जिन्होंने भेजा है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, ये बड़ा पहली है। श्री श्याम रसोई में खाना खाने वाले अधिकांश बच्चे हैं जिन्हें शायद गरीबी के कारण 2 वक्त का भी खाना ढंग से नहीं मिल पाता, इसलिए वह 1 वक्त अपना यहाँ खाने आ जाते हैं जहाँ उन्हें पेट भर के खाना मिलता है। समाज में ऐसे लोगों की जरूरत बहुत ज्यादा है। आशा करते हैं कि जनता प्रवीण गोयल जैसे और लोगों का भी इस नेक काम में साथ दे जिससे जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी हो सके।